अपनी रसोई में आप लोग सभी को स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं सूजी की हलवा आप लोग के बीच शेयर करूंगी। हमने एक कटोरी सूजी लिया है और 5 चम्मच हमने चीनी लिया है और 3 कटोरी जो सूजी ली थी उसी 3 कटोरी हमने दूध का यूज करूंगी और ड्राई फ्रूट भी हमने रोस्टेड लिया है। फ्रेंड्स, मैंने घी कढ़ाई में चढ़ाया और उसमें 4 बड़े चम्मच हमने घी डाला है। 5 चम्मच हम चीनी यूज करेंगे। सूजी ऐसे भी अच्छे से जब भून जाता है तभी सूजी का हलवा अच्छा लगता है। इसके लिए घी भी होने चाहिए अच्छे से, फिर दूध में ही बना रहे तो इसका स्वाद ही अलग हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं केवल इसमें दूध का यूज करूंगी। जो इलायची हमने लिया था उसको पाउडर बना लिया है। सूजी को कलर आने तक भूनना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपने हलवा तो बहुत बनाया होगा लेकिन आप मेरी तरह से एक बार बना के देखें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। सूजी का हलवा अगर अच्छे से बनाएं तो एक मिठाई के जैसा हो जाता है। इतना अच्छा मैंने हलवा बनता है। हलवा तो हर घर में बनता है फ्रेंड्स। बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं। सूजी अब भून गया है, बस थोड़ी देर और भूनेंगे। देखिए, जिस कटोरी से हमने लिया था इस कटोरी में मैंने 3 कटोरी हम दूध यूज करेंगे। हमने इसमें नाप के रख लिया था फ्रेंड। 1 कटोरी और दूध डालेंगे। बड़ी कटोरी में हमने नाप के रख लिया था 1 कटोरी और। सूजी के कटोरी से ही मैंने नापा था इसमें और रखा था फ्रेंड्स। हलवा में मेजर ठीक रहता है तो हलवा बहुत अच्छा बनता है। दूध का मेजर चाहे पानी से भी आप बना सकते हैं लेकिन मैंने दूध यूज किया है। दूध से बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। देखिए, बहुत अच्छा पक गया है सूजी। चीनी डालेंगे हम मीडियम साइज के चम्मच से। 5 चम्मच हम चीनी डालेंगे फ्रेंड्स। मीठा आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। हमने इसमें 5 चम्मच चीनी डाला। चलिए, अब हलवा तैयार हो गया है फ्रेंड्स। इसे अब सर्व करेंगे। सर्व के प्लेटिंग करने के टाइम ही हमने ड्राई फ्रूट को यूज किया है। ड्राई फ्रूट में हमने किशमिश, काजू और बादाम लिया है। उसे हमने भून लिया था और उसे छोटे छोटे काट लिए हैं। चलिए प्लेटिंग करते हैं। देखिए कितना अच्छा बनके